उत्तरा से दिल्ली। ये आंटी है मेरे साथ, आंटी अपना नाम क्या है? मलकीत कौर। बहुत परेशान किया उसने, बहुत ज़्यादा परेशान हुई है आंटी। मलकीत कौर आंटी का नाम है और कपूरथला से चली थी, और दिल्ली से तो हम एक ही फ्लाइट में आए हैं, और दिल्ली के बाद जब यहाँ पहुँच गई तो उसके बाद में पिछली बार जब मैं सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली गया था तो एक पंजाबी एक आंटी मिली थी, आज फिर यहाँ पहुँच के एक आंटी मिली। उन्होंने कहा बेटा मदद कर दे, मुझे जाना था टोरंटो। मैंने जब बोर्डिंग पास चेक किया तो उनकी फ़्लाइट हो चुकी थी मिस, क्योंकि हमारी फ़्लाइट हो गई डिले। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ उतरने के बाद में भी ना असिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, और वो आंटी इतना पैनिक डबरी थी ना, वो फिर पता नहीं इसमें हम क्या कर सकते हैं समझ में नहीं आता है, वो रोने लगी थी। यहाँ पर बड़ी मदद करने की कोशिश की, पासपोर्ट कंट्रोल आ गया, बाद में बात करता हूँ। ये जो इस तरह के बुज़ुर्ग हैं ना, जो पहली बार फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं ऐसे इंटरनेशनल, वो भी अमेरिका कनाडा जहाँ पर इनकी अपनी भाषा नहीं बोली जाती, इनका एक सोल्यूशन मेरे दिमाग में है। भले ही आप थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लें एयरलाइंस, लेकिन इनको ना आप एयरपोर्ट के बाहर तक, जो इनका डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है, बाहर तक आप छोड़ दें। एक अच्छा बिज़नेस मॉडल भी है किसी भी एयरलाइन के लिए, और सोचिए ज़रा कितना रिलीफ मिलता होगा इस तरह के लोगों के लिए, ये सर्विस होनी चाहिए। कहाँ से चली हैं वैसे अभी? मैं चली कपूरथला से। अच्छा, कपूरथला से दिल्ली। ये आंटी है मेरे साथ, आंटी अपना नाम क्या है? मलकीत कौर। बहुत परेशान किया उसने, बहुत ज़्यादा परेशान हुई है आंटी। मलकीत कौर आंटी का नाम है और कपूरथला से चली थी, और दिल्ली से तो हम एक ही फ्लाइट में आए हैं, और दिल्ली के बाद जब यहाँ पहुँच गई तो उसके बाद में इनको जो ये जो ट्रांसफ़र डेस्क वाले हैं, ये कह रहे हैं कि आपको हम टोरंटो भेज देंगे, इनको जाना है सेंट जोन्स जो कि कनाडा में है, और इनकी जो फ़्लाइट थी वो सुबह 7:45 थी, और हमारी जो फ़्लाइट थी वो पहुंची है 8:15, तो आधा घंटा पहले वो फ़्लाइट जा चुकी थी। अब ट्रांसफ़र डेस्क ने उनको एक ऐसी फ़्लाइट दी जो सिर्फ टोरंटो तक जा रही थी, टोरंटो से आगे अब आंटी को तो कुछ पता नहीं है, और जो व्हील चेयर पर असिस्ट कर रही थी उसको भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है यूनाइटेड एयरलाइंस। सच में हैरानी है, एयरलाइन के लोग कैसे इनह्यूमन हो सकते हैं। यूनाइटेड उम्मीद नहीं थी आप इस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ टोरंटो तक का आप उनको बोर्डिंग पास दे रहे थे, और उसके बाद का उन्होंने कहा कि हम एक टिकट वाउचर बना के दे देंगे, वहाँ से वो जो मर्जी ले लें। कितना स्ट्रगल कर सकती हैं वो अकेले, सीरियसली। तो मैंने कहा आंटी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको सेंट जोन्स तक का बोर्डिंग पास दिलवा के जाऊँगा। उन लोगों ने मुझे खूब डांटा, आंटी से पूछा कि आपके साथ हैं तो। शुरू में तो उन्होंने मेरी मदद को वेलकम किया, क्योंकि आंटी को उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी और उनको आंटी की हिंदी और पंजाबी, तो शुरुआत में वो मेरे थ्रू आंटी के साथ बात कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि वो आंटी को सिर्फ टोरंटो तक भेजने का इंतज़ाम कर रहे हैं, जबकि उनको जाना था सेंट जॉन, उनकी असली डेस्टिनेशन, वहाँ तक के लिए वो कुछ भी इंतज़ाम नहीं कर रहे थे, और जब मैंने उनसे पूछना शुरू किया तब उनको भी परेशानी होने शुरू हुई, क्योंकि उनका काम मेरी वजह से मुश्किल हो रहा था। उन्होंने तो बोर्डिंग पास निकाल के व्हीलचेयर वाली जो लेडी है उनको थमा भी दिए थे, और जब मैंने कहा कि उनका आगे वाला बोर्डिंग पास कहाँ है, तब उन्होंने मुझे थोड़ा सा रूडली मेरे साथ बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन मैं वहाँ पर अड़ा रहा और आंटी के साथ खड़ा रहा। अभी फाइनली आंटी को सेंट जोन्स का बोर्डिंग पास मिल गया है, पर मैं आपको एक बात बता दूं आंटी, कि जितने भी लोग हैं ना जो आपको इंडियन लगते हो, हेल्प ज़रूर मांगिए आप, हेल्प कर देते हैं लोग, और ये लोग बहुत बुरे हैं, सारे नहीं होते हैं, मगर अब जैसे इक्के दुक्के हैं, जैसे अभी इनकी ज़िम्मेदारी है आपको वहाँ तक पहुँचाने की। अभी वो आपके लिए व्हील चेयर ला रही हैं, पर आपकी फ़्लाइट कितने बजे है वैसे? ये तो वहाँ से आगे वाली है, ये है 11। You got the wheelchair? No, I got it from the top. All right. Do you need some more help or can I leave? No, it's fine. All right. It's fine. So she's going to walk now? Yeah, no, we're only going to walk up to the elevator and there's okay. Another chair up there. Just ensure you have everything, right? Yeah, I can't get up. Can you get the flight time at 8:30? What time is her flight, she's asking? 11:37. She has time. She has time? Yes. All right. Uh-huh. Auntie, aapki flight 11:30 baje hai, but aap unke saath jaiye. अब आप आराम से जाइए प्लीज़, इनके साथ कोई बात नहीं, आप इनके साथ में रहिए, ठीक है आंटी? ओके।
अभी 12:30 हो रहे हैं, 1.5 घंटा बच रहा है बीच में। अच्छा आप बिल्कुल चिंता मत करना। माई गॉड सीरियसली कितनी टेंशन होती होगी ना ऐसे बुजुर्गों को, मतलब मेरे पर भरोसा करना भी इनके लिए कितना मुश्किल होगा। सच में अकेले ट्रैवल करना इस उम्र में, जबकि वो शी सेड शी इज इलिटरेट, सो प्लीज़ आप ज़रूर कोई इस तरह से आपको मिल जाए हेल्प करना, प्लीज़ हेल्प करना। मेरी दादी मुझे याद आ रही हैं, मेरी नानी मुझे याद आ रही हैं, वो अगर अकेले उनको किसी मजबूरी में जाना पड़े तो क्या हाल होगा उनका। आज मेरे दिमाग में ख्याल ही आ रहा है कि कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहाँ पर इनके जो बच्चे हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते इनके साथ जाने वाले दूसरे पैसेंजर्स के साथ पहले से ही, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो ताकि आप कॉन्टैक्ट कर लो और उनकी जेन्युइनिटी देख लो पैसेंजर्स कैसे हैं, कि सपोर्ट कर भी सकेंगे या नहीं मेरे पेरेंट्स को या जो भी हैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को। पर अगर आप पहले से मिल लें तो कितना अच्छा हो ना। तो पिछली बार वाले इस एपिसोड के बाद एक कोशिश की थी, लेकिन शायद असर कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, इसी वजह से इस बार ये फिर हुआ। फिर एक आंटी दिखी और उनको इतना ज़्यादा रोना पड़ा, इतनी परेशानी उनको फेस करनी पड़ी। हालांकि इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं अगर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म सिर्फ इस काम के लिए बनाया जाए। तो फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है फ्लाइट अमीगोस, अमीगोस यानी होता है दोस्त, फ्रेंड्स स्पैनिश में। तो अगर आपके पेरेंट्स या इस उम्र में कोई भी हैं तो अगर आपको थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप उसमें डाल सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी मदर जा रही हैं सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली इस डेट पर, यह इनका फ़्लाइट नंबर है, कोई पैसेंजर अगर इसी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हों तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प कर दें और हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप सवाल डालें। डॉलर या? हाँ जी, आप कितना डॉलर या? ये तो 500 रुपये हैं। कितना? 500 रुपये, डॉलर नहीं है रुपये हैं। 700? नहीं, 500। 500? हाँ जी, ये सारे तो इंडिया के हैं, ये सारे 500 हैं। हाँ जी, सारे इंडिया के हैं, ये लाल किला है, ये गांधी जी हैं। तो इस तरह की क्वेरी डालें आप और अगर कोई रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप उनसे सीधी बात कर लें, कोऑर्डिनेट कर लें आप। हाँ जी, मैं भुलेखा लगता है इंडिया दे या पैसे पे पाए होते पाए हो, मैं क्या किसे देना दूना पेंदा कोई पैसा। अच्छा, तां पाए फिर अच्छा। इतना साथ कर ली ते मैं बाथरूम जावा ते तू इत्थे तक खड़ा हो जी। अच्छा, ते बाकी आ बह गया मेरा ठीक, ते होर कोई मतलब चक्कर नहीं हैगा इतना दा, कोई बात बड़े बच्चे दी बहुत हुंदी आ वैल्यू पर बाहर जेड़े बड़े पिछले बुड्ढे हुंदे आ उहनां दी घट हुंदी आ। नहीं नहीं, घट नहीं होती उनकी मदद के लिए। ये जो लोग हैं जैसे आपको जो लेकर आए थे, ये इनकी ड्यूटी है। जिस पे मैं 37 पे हूँ, बीच में 6 सीट्स हैं, तो आप आराम से बैठ जाना, मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ बैठना है। और वैसे भी कोई बहुत इतना मुश्किल है नहीं एयर ट्रैवल करना, यूजुअली एयरलाइंस ख्याल रखती हैं, बट स्टिल हम लोगों के लिए वो आसान है। इस उम्र में चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं और इनसिक्योर फील करती होंगे। प्लीज़ आप ज़रूर कोई इस तरह से आपको मिल जाए हेल्प करना, प्लीज़ हेल्प करना। तो अगर आप किसी की मदद करना चाहें या किसी अपने के लिए मदद लेना चाहें तो फ्लाइट अमीगोस जो फेसबुक ग्रुप है उसका यूज़ कर सकते हैं।